एक आदमी है जिसने लोगों को बड़ा भ्रमित किया और भ्रमित करते करते ऐसी बड़ी कुर्सी पर बैठ गया कि बस वहाँ पे सफ़ेदी ही सफ़ेदी छा गई। मतलब समझ गए आप, चारों तरफ सफ़ेदी। जब आप चारों तरफ सफ़ेदी करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप कुछ काला छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप धर्म की राजनीति करते हैं, आप फर्जी राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, आप लोगों के पॉकेट पर डाका डालते हैं, आप उनके घर का पैसा ले लेते हैं, जमा करवा लेते हैं। याद है आपको 2016, फिर उनके ऊपर आप तरह तरह के टैक्स लगाते हैं, गब्बर सिंह टैक्स याद है, ताकि उनके घर वालों का काम भी बंद हो जाए और वो जो महिलाओं ने पैसे बचा के रखे थे अपने घर के लोगों के लिए, वो भी ना रहें, तो लोग सड़कों पे आ जाएं और कहें कि आप ही सब कुछ है। मगर ईश्वर सब देखता है और आपने धर्म की राजनीति कर ली बहुत, इसलिए धर्म की राजनीति करने वालों को अब धर्म की राजनीति ही डुबोने वाली है। आपने भगवान राम के नाम पे राजनीति करी और चारों तरफ आपने ऐसा हाल कर दिया कि हर ओर राम नाम सत्य सुनाई दिया और राम भरोसे आपने सबको छोड़ दिया। आपने बताया कि प्रयास करो, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सफ़ेदी में छुपा हुआ हूँ, और आप लोग अब जो करना चाहते हैं वो खुद कर लीजिए, आत्मनिर्भर हो जाइए। इसलिए अब भारत आत्मनिर्भर हो गया है और आपको आपकी कुर्सी से उतार कर फेंकने वाला है। आपका समय समाप्त हो गया है। अब जो ये बार बार तालिबान का नाम आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान काम नहीं कर रहा है, तो पता चल रहा है कि तालिबान तालिबान आप क्यों कर रहे हैं, मंदिरों का अधिग्रहण क्यों किया जा रहा है, पैसों पे नज़र है, कितना खाएंगे पैसे, कितनी भूख है आपके अंदर कि आप लोगों का पैसा छीन कर अब भगवान के पैसे पे नज़र डाल रहे हैं कुछ।